This is an ABP Life podcast. ABP Life podcast पर मैं आबिर आपके साथ हूँ and I am very happy to share this platform, this mic with somebody really special, Mr. Sonam Wagchuk. How are you? Good, thank you. बहुत. I know, I heard your session and I know it's been a tiring day, but thank you for joining us in this conversation. You always talk about sustainability. आप बात करते हैं कि कैसे इस सोसाइटी को इंक्लूसिव बनाया जाता है और उससे हम सस्टेनेबिलिटी को ग्रो कर सकते हैं. मेरा सवाल थोड़ा सा अलग इसलिए है, और मैं भी शायद आपने कई बार सुना होगा, मेरे कई दोस्त होंगे, कई मिलेनियल्स होंगे जो बोलते हैं क्यों बंद करूं मैं घर के लाइट को, अरे बहुत लाइट है, कितना ही बिल आता है, 10 रुपए आता है, पानी क्यों बर्बाद, मतलब किसी को अगर आप सजेशन दें कि पानी मत बर्बाद करो, अरे बहुत पानी है इस दुनिया में. व्हाट इज योर आंसर टू दोज पीपल जो इस तरीके का अप्रोच रखते हैं लाइफ में, जिनके लिए शायद वो केयरलेस विजन बहुत नॉर्म बन चुका है? तो सबसे पहले तो उन्हें इतला होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि क्या हो रहा है दुनिया का. तो एक तरफ हमारे पहाड़ों में, जैसे हमारे लद्दाख में, गांव उजड़ रहे हैं क्योंकि हमारे ग्लेशियर्स पिघल के जा रहे हैं. दूसरी तरफ साहिल पर, समुद्र तट पर डूब रहे हैं. तो अगर ऐसे में आपका दिल नहीं तड़पता है उन लोगों के लिए, तो फिर आप किसी और ग्रह से आए हैं, शायद आप इस धरती के नहीं हैं. क्योंकि इस धरती पर सहानुभूति, संवेदना, एम्पथी, ये एक मनुष्य जाति का अंश है. तो मनुष्य रहिए, संवेदना रखिए, और क्या हो रहा है उसमें आपका क्या रोल है वो समझिए. क्योंकि हम ही लोगों से, एक एक कर हम ही लोगों से ये संसार बना है, और हमारे ही अच्छे कर्मों से अच्छा हो रहा है और बुरे कर्मों से बुरा हो रहा है, तो हम कैसे उसे नकारें? तो सर, जब सेंसिटाइज करने की बात होती है लोगों को स्पेसिफिकली एनवायरमेंट के ऊपर, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्कूल समवेयर डाउन द लाइन या एजुकेशन सिस्टम. हमारे यहाँ मॉरल साइंस, सोशल साइंस, ये सब पढ़ाया जाता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता है. हाउ डू यू सी, यू हैव बिल्ट अ वेरी डिफरेंट रोल, लाइक अ वेरी डिफरेंट मॉडल फॉर एजुकेशन. हाउ कैन दैट बी इम्प्लीमेंटेड इन अ सिटी लाइक न्यू दिल्ली और मुंबई? सबसे पहले तो ये अभी जो स्कूल हैं उन्हीं के वजह से ये समस्याएं निकले हैं. ये स्कूल आज के समस्याओं के लिए नहीं बने. स्कूल या शिक्षा एक समाधान है, तो ये समाधान था 17वीं-18वीं सदी के औद्योगिक क्रांति के लिए, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था, हर तरफ कारखाने खुल रहे थे और सब खुशी से झूम रहे थे कि अब कारखाने खुल गए. उन्हें नहीं पता था इसका अंजाम क्या होगा. अब हम 300 साल बाद अंजाम देख रहे हैं, तो फिर भी हम वही आग में वही घी या लकड़ी या तेल डाले जाएं, तो आप समझ सकते हैं. आइंस्टाइन ने कहा था शायद कि आप वही इनपुट बनाते रहें तो दूसरा किसी आउटपुट की अपेक्षा ना करें. हाँ, जब तक आप नहीं बदलेंगे तब तक वही निकलता रहेगा. तो हमारी शिक्षा को आज के समस्या का समाधान होना चाहिए. और आज की सच्चाई ये नहीं है कि हमारे पास खाने को उतना नहीं है, पहनने को उतना, हमारे पास ज्यादती है. ज्यादती हम प्रकृति पर कर रहे हैं, जहां हम आधा खाते हैं आधा फेंक देते हैं, आधा पहनते हैं आधा फेंक देते हैं. इस प्रवृत्ति को समाधान करने के लिए हमारी शिक्षा होनी चाहिए, ना कि वही 17वीं सदी की जहां लोगों के पास नहीं था और वो उस वक्त का समाधान. सर, अ पर्सनल क्वेश्चन टू यू, जब आप इतने सारे चीजों पे रिसर्च करते हैं, लोगों को देखते हैं, एनालाइज करते हैं प्रॉब्लम्स को, सबसे बड़ा कॉज क्या दिखता है पोल्यूशन का? क्या वो वेस्ट है, क्या वो वाटर का पोल्यूशन है, किस, मतलब व्हाट डू यू सी द मोस्ट? मानसिकता, लोगों के मन में जो अभी मैं कह रहा था, जिस शिक्षा से हम निकले हैं वो सबसे बड़ी समस्या है. और फिर सहानुभूति का ना होना, संवेदना का ना होना. एक तो ये मटेरियल माइंडसेट, जिसमें हम सिर्फ चीजों के पीछे, कंज्यूमरिज्म, उपभोक्ता बन गए हैं सब. तो एक तो वो, जो कि एक सीधा वो है इस शिक्षा नीति का, और दूसरी तरफ जो मैं कह रहा था कि संवेदना ना होना. Empathy. अगर एम्पैथी होती तो हम कभी नहीं देख पाते कि मछलियां किस तरह मर रही हैं सागर में, कि कैसे लोग पलायन कर रहे हैं
क्लाइमेट रेफ्यूजीज बनकर गांव से पहाड़ों से भाग रहे हैं, वैसे ही अब समुद्र तट से भागेंगे और आपकी भी बारी बहुत जल्द आने वाली है। तो और कुछ नहीं तो अपने लिए, आप लद्दाख के हैं, आप वहां के बाशिंदे हैं, एक बहुत बड़ा एक्सोडस हुआ, टूरिज्म एक्सोडस टेक्निकली जिसे बोलना चाहिए, कि बहुत लोग लद्दाख जाते हैं घूमने। एंड रिसेंटली आई वाज वाचिंग अ डॉक्यूमेंट्री कि उसके चक्कर में बहुत पोल्यूशन भी हो रहा है। हम कैसे इसको एक कोलैबोरेटिव एफर्ट बना सकते हैं कि लोग, टूरिज्म ऑब्वियसली एक इनकम जनरेटिंग सोर्स है लेकिन एनवायरमेंट शायद ज्यादा प्रायोरिटी पे है, कैसे इसका बैलेंस किया जा सकता है? तो जहां भी हो ज्यादती से समस्या है, लोगों की जिज्ञासा अच्छी चीज है, दुनिया को देखना अच्छी चीज है, मगर जिस दुनिया को देख रहे हैं उसी को बिगाड़ दें तो वो अच्छी नहीं है। तो इसलिए आए लद्दाख, समझें लद्दाख को, वहां की समस्याओं को, मगर ऐसे हल्के पदचिन्ह छोड़ें कि आपके पीछे सिर्फ पदचिन्ह रहें, आपका कचरा ना रहे, आपके आपको याद करें तो हम इस तरह याद ना करें लद्दाख में कि इनके वजह से हमारी धरती बिगड़ गई। तो सेंसिटिव होने की जरूरत है, संवेदनशील होने की जरूरत है। आपके फुटप्रिंट्स का इंतजार है बट आपके वेस्ट फुटप्रिंट्स का इंतजार नहीं है। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू एबीपी लाइव। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज एन एबीपी लाइव पॉडकास्ट।